कल का दिन किसने देखा है, तो फिर आज का दिन हम खोए क्यों? जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं, तो फिर उस घड़ी में हम रोए क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि के लिए बेहद खास है, अति विशेष है। कर्क राशि का जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे? ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा? क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे इन 3 महीनों में? आपकी राशि के अनुसार नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, क्या सावधानी आपको रखनी है, क्या बदलाव आपके जीवन में आ सकता है इन 3 महीनों में? दोस्तों, आपने स्वयं देखा होगा कि काफी सारे बदलाव, काफी सारे चेंजेस हमें मिलते रहते हैं। कभी यश, कभी अपयश, कभी अचीवमेंट्स, कभी नौकरी चेंज हो जाती है, कभी सुख, कभी दुख, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स, कभी ओवरथिंकिंग, कभी खुशहाली ही खुशहाली हमारे जीवन में चलती है। तो ये सब ग्रहों का गोचर का ही फर्क आपके जीवन में पड़ता है, क्योंकि हम स्वयं एक पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं और सारे ग्रह सूर्य देव की परिक्रमा करते हैं, तो ग्रहों का ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता रहता है। अब चलिए जानते हैं 3 महीने सारे ग्रह मिलकर, एक ग्रह नहीं, सारे ग्रह मिलकर आपको क्या फल देने में सक्षम रहेंगे। यह जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जब जून का महीना शुरू होगा तो आपकी राशि से ग्रहों की पोजीशन यानी कि स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। राशि के मालिक बनते हैं चंद्रमा, जो कि हर 1.25 दिन में गोचर करते रहते हैं। आपके 11वें घर में रहेंगे सूर्य के साथ में बुध, आपके 10म भाव में रहेंगे शुक्र के साथ में राहु, आपके 9म भाव में रहेंगे गुरु के साथ में मंगल, आपके 8म भाव में रहेंगे शनि और आपके 4th हाउस में रहेंगे केतु। अब चलिए जानते हैं कि आपको ये क्या फल देने वाले हैं। जून के महीने में 3 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 15 जून को सूर्य जाएंगे मिथुन राशि में, 18 जून को शुक्र जाएंगे वृषभ राशि में और 27 जून को मंगल जाएंगे मेष राशि में। जून के महीने में सूर्य और बुध आपके 11वें घर में बैठे हुए हैं। जून के महीने में आपकी सेविंग्स अच्छी होगी, आपका जो इन्वेस्ट करना है वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बुध आपके 11वें घर में जाकर बैठे हुए हैं, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन से, अपने टैलेंट से, अपने ज्ञान से, आपके जो स्किल से आपकी इनकम अच्छी होगी। अगर आप किसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। वो क्यों दोस्तों? क्योंकि गुरु भाग्य के मालिक बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं और 3 महीने भाग्य स्थान में रहेंगे। तो गुरु का भाग्य स्थान में बैठना, धार्मिक कार्य आपके देखे जा सकते हैं, कोई शुभ कार्य आपके हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, कोई लंबी यात्रा आपकी हो सकती है। गुरु आपके जब 9म भाव में बैठे हैं तो हायर एजुकेशन होने की संभावनाएं भी अच्छी हैं। इसके साथ गुरु की दृष्टि आपके 5म भाव में भी पड़ रही है, तो जो व्यक्ति संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा रहेगा ये 3 महीना, क्योंकि गुरु की दृष्टि 5म भाव में पड़ रही है। 5म भाव शिक्षा का भी होता है, शिक्षा भी अच्छी रहेगी और मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन लाइन, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य आपके लिए बेहद शुभ कार्य रहेंगे। गुरु आपके भाग्य स्थान में है, पिता का भाग्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि नवम भाव पिता का भी होता है। और जैसे मैंने कहा कि धार्मिक कार्य आपको करने चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेंगे। 15 जून को सूर्य 12वें घर में चले जाएंगे। 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक आपको अपने खर्चे पर कंट्रोल करना है, क्योंकि बिना वजह के खर्चे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य दूसरे घर के मालिक है और 12वें घर में, यानी कि सेविंग्स उतनी अच्छी नहीं होगी। आप कोशिश करेंगे कि मैं सेविंग करूं, मैं पैसे सेव करूं, लेकिन आपके खर्चे, अननेसेसरी खर्चे आपके देखे जा सकते हैं। और हां, 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना। वो कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखा जा सकता है। सूर्य जब 12वें घर में रहेंगे तो आप अपने घर वालों से दूर भी जा सकते हैं, कोई ट्रेवल आपका देखा जा सकता है लंबे समय के लिए, कोई घूमना फिरना आपका हो सकता है, हॉस्पिटल्स में कुछ खर्चे आपके देखे जा सकते हैं, और जैसे मैंने कहा खर्चे बिना वजह के भी होंगे, और आपके अंदर गुस्सा और तनाव, ओवरथिंकिंग भी देखा जाएगा इस बीच में। लेकिन 16 जुलाई के बाद जब सूर्य आपके 1st हाउस में आएंगे तब आपकी सेविंग्स अच्छी होगी, तब आपका इंक्रीजमेंट भी अच्छा रहेगा, और 17 अगस्त को जब सूर्य
स्वर राशि के हो जाएंगे तो प्रमोशन होने की संभावनाएं अच्छी हैं, यानी कि अगस्त के महीने में प्रमोशन देखा जा सकता है, अचीवमेंट हो सकती है, किसी जगह पर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, अनएम्प्लॉयड है तो अगस्त के महीने में नौकरी मिलने की संभावनाएं काफी अच्छी है। आपकी वाणी से, आपकी वे ऑफ टॉकिंग से लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपका नेम और फेम होने की संभावनाएं काफी अच्छी है अगस्त के महीने में, क्योंकि सूर्यदेव स्वर राशि के विराजमान रहेंगे। वही शुक्रदेव 18 जून को आपके 11वें घर में गोचर करेंगे लाभ स्थान में, जो कि आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। आपके डिजायर पूरे होंगे, आप सोच रहे हैं कि मैं कोई गाड़ी लेना चाहता हूं, कोई आइटम्स को परचेज करना चाहता हूं, काफी टाइम से आपकी कोई इच्छा थी, आपकी आपके डिजायर थे, तो वो 18 जून के बाद पूरे होते हुए देखे जाएंगे। बड़े भाई बहन का सपोर्ट भी आपको अच्छा रहेगा, उनके साथ आपका अटैचमेंट अच्छा रहेगा। शुक्र का 11वें घर में गोचर करना, आपका लव रिलेशन अच्छा देखा जाएगा, क्योंकि पंचम भाव में दृष्टि है, आपकी बॉन्डिंग्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी देखी जाएगी, पढ़ाई में भी मन आपका पूरी तरीके से लगेगा 18 जून से लेकर पूरे जुलाई के महीने में, रिलेशन और अंडरस्टैंडिंग और आपकी पढ़ाई काफी अच्छी देखी जाएगी। जब शुक्र आपके 11वें घर में है ना, तो इंटरेस्ट ना लग्जरियस हो जाता है, ब्रांडेड, कि मैं ब्रांडेड कपड़े लेना चाहता हूँ, ब्रांडेड चीजें खरीदना चाहता हूँ, ये आपके मन में बहुत ज्यादा आ जाएगा 18 जून के बाद से। वही हम जुलाई की बात करें तो 12 जुलाई को शनि वापस से सप्तम भाव में गोचर करेंगे मकर राशि में, तो 12 जुलाई के बाद से लगाकर आपके विवाह होने के योग बहुत अच्छे हैं। जो व्यक्ति कर्क राशि वाले व्यक्ति विवाह की तैयारी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो 12 जुलाई से पूरे साल विवाह के योग काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, या विवाह की बात भी फाइनल हो सकती है, और 12 जुलाई के बाद आपका व्यापार, आपका डेली इनकम का काम बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आपके अंदर जिद देखी जा सकती है, छोटी छोटी चीजों को लेकर जिद करना, बहस करना और पॉलिटिक्स में पड़ना, यह भी आपके साथ में देखा जा सकता है, क्योंकि शनि 7th हाउस में रहकर चंद्रमा को देखेंगे, छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोचना, कंफ्यूजन होना, डाउट होना, यह आपके साथ में देखा जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप, डेली इनकम, व्यापार में तेजी होगी। लोहे से संबंधित काम है आपका, ऑयल एंड गैस है आपका, कंस्ट्रक्शन का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, ईंधन का काम है, चमड़े से रिलेटेड कोई काम है, मशीनरी से कोई रिलेटेड कार्य है, वो आपके लिए बहुत अच्छा देखा जाएगा 12 जुलाई के बाद से। और वही दोस्तों मंगलदेव 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक दशम भाव में रोचक राजयोग बनाएंगे। 10 अगस्त तक दशम भाव में, दशम भाव आपका बड़ा मजबूत रहेगा, और दशम भाव होता है करियर का, तो जब दशम भाव मजबूत होता है तो हमारा करियर मजबूत होता है, काम करने में मन लगता है, लोग हमको जानने और पहचानने लग जाते हैं, हमारा नेम और फेम होने लग जाता है, हमको ग्रोथ मिलने लग जाती है, तो एक अच्छा ग्रोथ आपको मिल सकता है, एक गोल्डन टाइम पीरियड देखा जाएगा अपने करियर में। ऐसा हो सकता है कि आपकी डेजिनेशन चेंज हो सकती है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, जैसा आप चाहते हैं कहीं ना कहीं वो चीज आपको मिलने की संभावनाएं हैं 27 जून से 10 अगस्त, क्योंकि दशम भाव काफी मजबूत रहेगा, और जब मजबूत रहेगा तो नौकरी मिलने की संभावनाएं 90% भी दिखाई दे रही हैं आपके साथ में। क्या उपाय करने चाहिए कर्क राशि वाले व्यक्ति को? चंद्रमा का बीज मंत्र आपको अवश्य करना चाहिए, ओम श्राम श्रीम स्रोम सह चंद्रमसे नमः, भोलेनाथ की पूजा आप अवश्य करें, महीने में एक दिन पूर्णमासी आती है, व्रत रखें पूर्णमासी का, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, और हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, धन्यवाद।